आशुर्फ चिंटू सिंह ने शहीद सतनाम सिंह मान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर विस्तार से जानकारी दी। इस फाइनल मुकाबले की अंपायरिंग छोटू सिंह और मदनी खान कर रहे थे, वहीं भगत सिंह और रितु राज स्कोरर की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। सैयद सैफी, इमरान अहरान और राहुल पांडे बारी बारी से खेल का आंखों देखा हाल सराहनीय और प्रशंसनीय तरीके से सुना रहे थे। समारोह में शहीद सतनाम सिंह मान के भाई सतवीर सिंह मान और सुधांशु ने उप विजेता और विजेता टीम को क्रमशः 25,000 और 51,000 का चेक भी सौंपा। उपस्थित मुख्य अतिथि गया के सांसद विजय मांझी के अलावे नगर पंचायत के वार्ड पार्षद रामलखन पासवान, किशोरी दास, अशोक सिंह, पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद जहांगीर, राजद नेता शंभू सिंह, जदयू नेता प्रोफेसर अरविंद कुमार, दिलीप यादव, भाजपा नेता रविंद्र यादव, अभिषेक अग्रवाल उर्फ पप्पू अग्रवाल, पशुपतिनाथ पाठक, मोहम्मद आदिल, इमरोज अली, कवि मुकेश, चंद्रदेव यादव आदि अतिथियों ने खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर एवं ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। इस मौके पर खेल व्यवस्था को बेहतर ढंग से संचालित करने वाले युवाओं को भी पुरस्कृत कर हौसला बढ़ाया गया। आयोजन समिति के गुगुन सिंह ने बताया कि जदयू नेता विनय प्रसाद, भाजपा नेता चिंटू सिंह, पिंकू सिंह, लाला सिंह, रजनीश सिंह, पुटूस जी, वेद प्रकाश, अमित कलेक्शन, निवास जी, अंबा जी, अंबा सिंह, राजेश यादव, सोनू सिंह, चिंटू सिंह और असलम जी के सहयोग से टूर्नामेंट को संचालित करने में शक्ति मिली है और हम इनके सहयोग का आभार प्रकट करते हैं। अतिथियों ने रनर 100 कला क्रिकेट क्लब और विनर रॉयल रमना क्लब को कप भेंट किया। वहीं आज के फाइनल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच छोटू वसीम और मैन ऑफ द सीरीज तिवारी को पुरस्कार से नवाजा गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि गया के सांसद विजय मांझी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से समाज में एकता और भाईचारे को मजबूती मिलती है। वहीं उठाए गए शेरघाटी को जिला बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर बिहार में कोई जिला बनता है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शेरघाटी को पहला जिला के रूप में घोषित करेंगे। साथ ही सांसद विजय मांझी ने रंगलाल इंटर स्कूल के मैदान के सौंदर्यीकरण में भी सहयोग देने की बात कही। वहीं शेरघाटी से जुड़े दो रेल परियोजना गया चतरा वया शेरघाटी और गया डाल्टेनगंज वया शेरघाटी इमामगंज को लेकर भी कुछ जरूरी बातें रखी। कैमरा पर्सन फिरोज आलम के साथ इमरान अली, शेरघाटी आजकल। मार खा गया लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद रखे हुए थे कि हम लोग इंशाल्लाह जीतेंगे। हम लोग इस टूर्नामेंट में
एमपी साहब, भैया इमरान अली साहब, वार्ड नंबर 18 के प्रतिनिधि जहांगीर साहब आ गए आज हम उनके तरफ से स्वागत किया जाए।